जय मसीह दी सारेनो। आइए आज का वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल 21 अध्याय और उदा 10वीं आयत मैं पढ़ूंगा। तब दाऊद चला और उस दिन शौल के डर के मारे भागकर घात के नगर घात के राजा आकीश के पास पहुंचा। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हर नगर करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुकचा के चरणों में प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, जो सुने प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी एंकरेज करें और उद्धार दे प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आप अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। यह समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 21 अध्याय, आज ही 21 अध्याय दा 10 तो लेके 15 तक ध्यान करने वाले हैं और 34 भजन नु भी यही ध्यान करने वाले हैं। वचन जेड़ा है पढ़िया वा और वा 10 21 अध्याय 10। मेरे को समय का ठीक है इस करके मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, इको वचन पढ़िया वा तो ही 10 तो लेके 15 तक और भजन संहिता 34 भी तो ही पूरा पढ़ सकते थे। इतने यही वेखने हैं कि तब दाऊद चला और उस दिन शौल के डर के मारे भागकर आकीश के राजा के पास चले गया। वचन में लिखा कि दाऊद अपनी जान को बचाने वास्ते वो पराए देश में चल गया। क्यों चल गया दाऊद पराए देश में? क्योंकि उन्हें शौल नु मारना चाहता है। ओ भैनो तो शौल जेड़ा है दाऊद दा सब तो बड़ा दुश्मन बन गया है। शौल दी वजह ते ना ही वो अपने घर रह सकता है, ना ही अपने माँ प्यो को रह सकता है, ना ही अपने भरावां को, ना ही अपनी पत्नी को, सारे तो वो दूर हो गया है और कल्ला ही गा दाऊद। जे अपने देश में रहता तो उन्हें शौल ने उन्हें मार देना ही, जा अपने देश में रह के या कि लुक भी जाता फिर भी शौल के सैनिकों ने आके उन्हें लब लेना है। इस करके दाऊद ने सोचा जे मैं अपने देश में रहूँगा तो मैं इन्होंने कितना भी मार ही देना वा एक ना एक दिन लभ के। इस करके वो पराए देश में चल गया अपने आप को बचाने वास्ते। जेड़े देश में दाऊद गया हैगा वो जेड़ा देश ही पलस्तिया का देश हैगा और उत्थे एक राजा ही उदा ना ही आकीश हैगा और दाऊद अपनी जान बचा के वो देश में जाके रहन दे पिया। पर थोड़े दिन के बाद लोगों ने दाऊद नू उत्थे पछाण लिया कि ये तो उ दाऊद आ जिन्हें साडे शूरवीर गुलियात नू मार दिता हैगा। इस करके उदन और जिहड़े बंदे ने दाऊद नू पछाणिया ही उन्हें जाके अपने राजा नू दस दिता। उन्हें आख्या जाके कि जिहड़ा दाऊद जिन्हें साडे शूरवीर गुलियात नू मार दिता है जिहदे वास्ते लोगों ने गाने भी गाए ही गए वो हुण आके साडे देश विच रहन दिया होगा। इस करके ये गल राजा नू वो आदमी ने आके दस दिती तो राजे नू उत्थे दे राजे नू गुस्सा आया कि ये दाऊद जिहड़ा साडा दुश्मन हैगा शौल जिहड़ा वा शौल राजा दे सेना विच काम करन वाला ही उहदा दमाद आ ये साडे देश विच आके रहन दिया होगा और साडे सामने घूमन दिया वा इन्हें साडी सारी सेना नू हरा दिता है साडे शूरवीर गोलियात नू भी मार दिता है इस करके मैं भी उन्हें मार दूंगा करके उन्हें सैनिकों नू कलाया कि जाके दाऊद नू मेरे को लैके आओ। ओ भैन भरावो जो ये गल दाऊद नू पहलों तो पता लग गई ही कि आकीश ने
अपने सैनिकां नूं कलाया वा मैनू फड़न वास्ती। फिर दाविद ने एक चाल चली, उन्हें सोचा हुण मेरा बचन दा कोई भी तरीका नहीं आ, मेरे को सिर्फ इको एक तरीका वा बचन दा। फिर उससे बड़े दाविद ने अपने कपड़े पाड़ दिते और सिर नूं उल्टा पुल्टा कर लिया और फिर लाली टपकाउण डै पिया और दीवारां ते कुछ लिखण डै पिया कंधां ते। ओ भैणो भरावो, अपने आप नूं उन्हें पागल बना दिता, मतलब पागल नहीं ही पर उन्हां दे सामने उन्हें अपने आप नूं पागल बनाया। ओ भैणो भरावो, जदों आकीश दे राजा दे सामने दाविद नूं लै के आए ते दाविद नूं जदों आकीश ने पुछया कि तू दाविद आ, तू ही आ जिन्हें साडे शूरवीर गोलियात नूं मारिया है, तू ही आ जिहड़ा दाविद आ जिहड़ा सारिआं नूं हराउण वाला वगा। जदों ये गल आकीश ने दाविद नूं पुछी ते दाविद पांगलां वांगू बैठा हैगा और कंधां ते उल्टा पुल्टा लिखी जाण डिआ है, पर कोई भी गल दा जवाब उन्हें नहीं दिता। इहदे नाल उह राजे नूं की पता चलिआ कि इह ते पागल हैगा, इह पागल नूं मेरे सामने फड़ के लै के आ गए आ और कहण डिआ है ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਵਿਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਵਿਦ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੌਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਗੋਲੀਆਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਵਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ
उन्होंने शराब देन का सुभाव ओ भैन भरा। पर दाविद ने यह सब नहीं किया। ओ भैन भरा वो कला है और को कुछ है भी नहीं गा, कोई दोस्त भी नहीं गा को जोड़ा साथ दे सके, ना ही वो भरा वो लागे ही, ना ही वह पिता भी वो लागे ही और ना वो पत्नी वो लागे ही गी। कला ही गा और ना ही कुछ खाण वास्ती ही, ना ही कुछ पाउण वास्ती ही, ना ही कोई वह हाल चाल पुछण वास्ती ही। सब तो कला बैठा ही पहाड़ों के विच और गुफा के विच। ओ भैन भरा जो तुही और मैं कले होंने दुखी होंने तो उदो अही की करने अज परमेश्वर जरा वा सवाल पूछन दिया वा। अही तो जो कले होंने दुखी होंने या कोई सू कोई सता वा तो अं सोचने कि मैं हूँ वह दसूँगा कि मैं भला की हैगा की चीज़ हैगा, उन्हें मेरे तो पंगा लै लिया वा, इस करके मैं उन्होंने सबक सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। ओ भैन भरा पर दाविद ने उत्थे की किया, उन्हें पहाड़ों में दुख में रह के और कला ही गा फिर भी उन्हें परमेश्वर की महिमा की। अही जो पढ़ने गे भजन संहिता 34 अध्याय पूरे ये पूरा अध्याय जड़ा है दाविद ने उस दिन लिखिया। वचन पहले विच कहिंदा वा कि हर समय यहोवा दा मैं धन्यवाद करूँगा और उदी स्तुति जड़ी आ मेरे मुँह चो मेरे मुख तो हमेशा हुंदी रहूगी। ओ भैन भरा दाविद लिखन दिया वा कि परमेश्वर की जी स्तुति और महिमा जड़ी आ मैं हमेशा करता रहूँगा क्योंकि ओ मेरा परमेश्वर आ मैनू बचाने वाला वा। जे मेरे नाल कोई भी नहीं आ पर मेरा परमेश्वर मेरे नाल आगा, मैं इत्थे कल्ला नहीं आ पहाड़ों में विच मेरे नाल परमेश्वर भी मेरे नाल आ, वह भी मैनू वेखन दिया वा, मेरा उठना और बैठना भी मेरा परमेश्वर जानता होगा। इस करके वचन 2 विच लिखन दिया वा मेरी दीन दी प्रार्थना, मैं मेरे दीन दी प्रार्थना दीन मन दी प्रार्थना मैं परमेश्वर को की, परमेश्वर ने मैनू जवाब दिता है। यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। ओ भैन भरा दाविद अपने भजन में लिखन दिया वा कि मैं परमेश्वर को गया हाँ, उदे सामने मैं घुटने टेक के प्रार्थना की पर परमेश्वर ने मेरी हर एक प्रार्थना नू सुनिया और जवाब दिता। मैं परमेश्वर नू चक के वेख लिया वा कि परमेश्वर किन्ना भला वागा। वचन में दाविद लिखदा वा कि जंगलां में शेर नू कोई भी कमी और कटी हो सकती आ पर जेड़े परमेश्वर नू लभदे अगे उन्हां दे घर विच उन्हां दे जीवन विच कदी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती। और दाविद आखंडिया वा जेड़े परमेश्वर नू लभदे अगे वो परमेश्वर नू पाउंदे अगे और परमेश्वर उन्हां नू मिल भी जांदा वागा। ओ भैन भरा दाविद कला ही गा, ना ही कोई उन्हू पुछण वाला ही गा हाल चाल, ना ही उद को खाण वास्ती कुख ही, ना कुख पाउण वाला ही गा, ना ही कोई उहदा साथ देण वाला ही गा, फिर भी वह कला ही गा दुख दी घड़ी विच ही गा। चारों तरफ जदों वेंदा ही गा तो शत्रु दे शत्रु उहदे जान दे पिछे पए ही गे पर फिर भी वह परमेश्वर दी महिमा करता हैगा और परमेश्वर दा भजन लिखता हैगा। आज परमेश्वर मैनू और तुहानू सानू सारयां नू एक सवाल पूछन दिया वा, जदों साडे जीवन विच मुश्किल दी घड़ियां आउंदियां वा ते उदों अही की करने आ, उदों अही बदला लैण दी कोशिश करने आ या ते परमेश्वर दी महिमा करने आ। ओ भैन भरा जज अपने देश दाविद नहीं ही जा सकता क्योंकि शाऊल दा दुश्मन ही गा। ओ भैन भरा दाविद इतना भी सोच सकता है भला मैं जाके क्यों लुकां,
क्यों मैनू लुकन की जरूरत आ, मैं की गलती की आ, मैं ते उहदा कदी कुछ भी नहीं बिगाड़िया, ना ही कदी शौल का नुकसान किया वा। मैं जो भी युद्ध किया परमेश्वर वास्ते किया, इजराइलिया वास्ते किया, अपने राजे वास्ते किया, पर फिर भी राजा मेरा दुश्मन बनया वा, मैनू मारना चाहता वागा। उन्हें जो ये दुख की कड़ी इन्ने बुरे हालात ही गए, पर फिर भी दाविद ने कभी सोचा नहीं कि मैं जाके शौल नू मार दूंगा ते आराम ना रह सकना वा। उन्हें कभी भी उसकी हानि करन की कोशिश नहीं की, ना ही कभी उन्हें मारन की कोशिश की। वास्ते सिर्फ दुआ करता हैगा और कहता हैगा कि मेरे मुँह चो कि वास्ते बस हिस्सा ना निकल जाए, कितने मैं उन्हें गाल ना दे दा, कितने मैं उसकी हानि ना कर दा। वचन में लिखा वा कि मैं अपनी जुबान नू जिहड़ा वा रोक के रखिया, कितने मैं उसदे वास्ते गलत शब्द ना कह दा, या तो कितने मैं उन्हें बस इस ना दे दा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ते मेरे नाल आ, मेरा परमेश्वर मेरे वास्ते सब कुछ कर सकता वा। मैनू किसे को डरन दी लोड़ ही नहीं आ। मैं टुट्टा मन लैके परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नू सुनिया। वचन विच लिखिया वा धर्मियां दे उत्ते बड़िया विपत्तियां बड़िया तकलीफां आउंदियां ते जरूर आ, पर जो अं परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखने आ ते परमेश्वर सानू उस सारियां मुसीबतां विचों बाहर कढ़दा वा। ओ भैण और भरा, वचन विच लिखिया वा कि धर्मियां दे उत्ते बहुत सारी विपत्तियां आउंदियां वा, पर जो अं परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखने आ उदो सानू बाहर कढ़दा वा। दाविद अपने जीवन दे विच सारियां मुसीबतां नू सहण डिया ही, ना ही अपने देश जा सकता ही, ना ही के होर देश जा सकता हैगा, क्योंकि सारे लोग उहदे दुश्मन ही गए। कल्ला ही पहाड़ियां दे विच गुफां दे विच, पर फिर भी परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखदा हैगा। ओ भैण भरा, अज परमेश्वर सानू सारियां नू इस वचन दे नाल गल करन डिया वा। जेड़े भी कोई दुख और तकलीफ दे विच आ, जेड़े भी कोई जिन्हां दा कोई लोकी शत्रु बन गया, या तुहानू भी कहने देश विचों बाहर कढ़ दिता वा, पिंड विचों बाहर कढ़ दिता वा, या किसे दी तकलीफां ज़्यादा होंदियां वा, जां तुहानू कोई मारना चाहुंदा वा, या तुहानू कोई बदनाम करना चाहुंदा वा, या मंडली विच या काम करदे जगह विच या जिथे अपने घर दे लागे तो ही रहिंदे जे। ओ भैण और भराओ, ते डरन दी लोड़ नहीं आ, बदला लैण दी लोड़ नहीं आ, गाला कढ़न दी लोड़ नहीं आ, बस हिस्सा देन दी लोड़ नहीं आ, क्योंकि जिहड़ा दाविद दा जिहड़ा परमेश्वर ही ओह ही परमेश्वर अज साडे नाल आगा। दाविद दे नाल भी उहदी मुसीबतां दे नाल भी परमेश्वर उहदे नाल ही, परमेश्वर ने उन्हूं कदी भी कल्ला नहीं ही छड्डिया। अज लोकी साडे लागे कई हुंदे आ, कई वचन सुनाउण वाले आ साडे लागे, वचन सुनाउंदे आ जदों इह मुसीबतां विच हुंदे आ, जदों इह कल्ले हुंदे आ। पर एक वारी सोच के वेखो, दाविद दे जीवन दे विच उह ते कल्ला हैगा, पर फिर भी उह परमेश्वर दी महिमा करदा हैगा। ओ भैण भरा, तुहानूं भी बदला लैण दी लोड़ नहीं आ, परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करोगे ते परमेश्वर तुहानूं हर एक मुसीबतां विचों बाहर कढूगा, क्योंकि परमेश्वर कहिंदा वा, क्योंकि दाविद वचन विच लिखदा वा धर्मियां दे उत्ते बड़िया विपत्तियां पैंदियां वा, पर परमेश्वर उन्हां सारियां नूं बाहर कढ़दा वा। जे तुसीं भी दाविद वर्गा विश्वास परमेश्वर दे उत्ते रखदे जे, ते परमेश्वर ने जिस तरह दाविद नूं बाहर कढ़िया ही मुसीबतां विचों, तुहानूं वी उह बाहर कढ़ूगा। ओ भैणो भराओ, वचन विच लिखिया वा कि उह ते तेरी हड्डी हड्डी दी रक्षा करदा वा, कि किते कोई तेरी हड्डी टुट ना जाए। ओ भैणो भराओ, इत्थे दे जिहड़े अपने देश दे ही लोक दाविद दे उह वी दुश्मन ही, पराए देश दे लोक उह वी दुश्मन ही, सारे उहनूं मारना चाहुंदे ही, कई वारी उहदा पिछा कीता, कई वारी उहनूं घेर भी लिया, पर कदी भी परमेश्वर ने उहदी कोई हानि होण नहीं दित्ती और उहदी हड्डी नूं परमेश्वर ने बचा के रखिया दाविद नूं। ओ भैण भरा, क्योंकि परमेश्वर दी महिमा करदा ही
विश्वास करता है और मुसीबत की कड़ी दे विच भी परमेश्वर की महिमा करता है। वचन विच लिखिया हुआ, मैं हर समय परमेश्वर की महिमा करूँगा। मेरे दुख दे समय होए या सुख दे समय होए, पर फिर भी परमेश्वर का नाम है उच्चा करूँगा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल आ, मैनू किसी डर मैनू किसी नाल भी डरन की लोड़ ही नहीं आ। ओ भैनों भरा, जो हाडे जीवन में मुसीबत आउंदियां वा, जो हाडे जीवन में खुशी आउंदी आ, तो अहीं की करने आ? जो हाडे जीवन में सब कुछ ठीक हुंदा वा, लोकी हाडा आदर करदे आ, लोकी हाडे नाल हुंदे आ, लोकी सानू चर्चा में बुलाउंदे आ, लोकी हाडी इज्जत करदे आ, जो पैसा तेला सब कुछ साढ़े को हुंदा वा, कोई मुसीबत साढ़े उत्ते नहीं हुंदी, उदो कई लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते और परमेश्वर की महिमा करते है। ओ भैन भरा, पर जो आ जाती है कई लोगों के जीवन में मुसीबत, जो लोग बन जाते उन्होंने दुश्मन, जो उन्होंने पिंड बदनाम करके बाहर कढ़ देंगे, जो कोई उन्होंने जान के दुश्मन बन जाते, जो लुकन वास्ते बाहर दौड़ जाते, उदो कई लोग जड़े है बदला लैन की कोशिश करते, पर परमेश्वर की महिमा नहीं करते। ओ भैनों भरा, कई लोग जो दिन चंगे होंगे उदो ही परमेश्वर की महिमा करते, पर जो दिन माड़े हो जाते उदो परमेश्वर नू याद भी करना भुल जाते। ओ भैनों भरा, वचन सानू ये सिखाउण दिया वा, दिन साढ़े चंगे होण या बुरे होण, या कोई हाडे नाल होए या ना होए, या सारे लोग हाडे नाल चंगे आ या दुश्मन आ, सानू हर समय जिहड़ा वा सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी आ। दिन जो चंगे आ, सब कुछ साढ़े नाल चंगा हो गया वा, उदो तो हर कोई परमेश्वर की महिमा करता वा, पर जो दिन हाडे खराब हो जाते, जो कोई हाडे नाल नहीं हुंदा, जो इकल्ले हुंने आ मुसीबत विच भी हुंने आ, अज परमेश्वर नू सवाल पूछण दिया वा कि तुसीं उह टाइम ते की करदे जे, परमेश्वर की महिमा करदे जे, प्रार्थना करदे जे, उहदा आदर करदे जे, या परमेश्वर नू भुल के बदला लैण की कोशिश करदे जे। ओ भैणो भरा, दाविद ने कदी भी अपने जीवन विच कदी भी मैं शाऊल को बदला लऊंगा, उन्हें जाके मारूंगा, ना ही उहदे वास्ते कदी कोई बासीस कीती। ओ भैणो भरा, हमेशा परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर का आदर करता है, इस करके परमेश्वर हमेशा दाविद दे नाल हीगा। आज परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारे नाल गल करन दिया वा कि साडा जीवन कितना दा वा, अहीं जो सुख विच हुंदे आ उदो ही परमेश्वर की महिमा करने, उदो ही परमेश्वर का नाम उच्चा करने, उदो ही परमेश्वर वास्ते गाने गाने। जो साडे जीवन में मुसीबत आउंदी आ, दुख आउंदे आ, उदो अहीं की करने, उदो लोकां ने नूं गाला दिंदे आ या बदला लैण की कोशिश करते हैं, या परमेश्वर की महिमा करने। अज परमेश्वर का वचन साडे नाल सारे नूं एक सवाल पूछण दिया वा, ताडा और मेरा जीवन कितना दा वा, आए परमेश्वर के उत्ते भरोसा कितना करने। दाविद मुसीबत विच ही कल्ला ही, सारे उहदी जान दे दुश्मन बने ही, पर रोया नहीं, घबराया नहीं, डरिया नहीं कि मेरे को कोई भी नहीं आ, उन्हें परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखिया, उन्हें आख्या कि मेरा परमेश्वर मेरे नाल आ, मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूगा, मैनू हर एक मुसीबत विचों बाहर कढ़ूगा, मैं तो परख के जान लिया वा कि मेरा परमेश्वर कितना भला वागा। जवान जिहड़ा शेर हुंदा वा जंगलों में भुखा रह सकता वा, उन्हें कोई भी कमी कटी हो सकती आ, पर जेड़ा परमेश्वर की खोज करता वा उन्हें कभी भी कोई भी कमी कटी नहीं होंगी। परमेश्वर हाडे सारे दे नाल आ, अज सानू सारे नू इस वचन के द्वारा आड़ नाल गल करन दिया वा, जेड़े परमेश्वर नू छड़ के दुख और तकलीफों में पै के परमेश्वर नू छड़ के दूर हो गया, उन्होंने सारे नू अज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बुलाउण दिया वा। परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर दे ते भरोसा करो, परमेश्वर हाडे नाल आगा। दाविद ते कहिंदा वा, दुख होए या सुख होए, या कल्ला होया या सारे दे नाल होवां, पर फिर भी मैं
परमेश्वर की महिमा करूंगा, मेरे मुंह च हमेशा परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर का ही आदर करूंगा। इस करके उसने परमेश्वर का आदर किया, इस करके परमेश्वर ने उन्होंने शौल के हाथों विचों भी बचाया, सैनिकों को बचाया, शत्रु देश विच चल गया ही, आकीश दे राजा दे हाथों विच भी उन्हें बचाया। परमेश्वर जो कल्ला हैगा उदो भी परमेश्वर दाविद दे नाल हैगा। परमेश्वर इस वचन दे नाल हानू सारयां नू आशीष करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल दाविद दा जितना विश्वास सी उतना हाडा विश्वास भी दे। परमेश्वर इस वचन दे नाल कहे आई खुशी विच परमेश्वर दी महिमा नहीं, दुख विच भी परमेश्वर दी महिमा करना सिखाए। हाडा परमेश्वर हाडे नाल आ, हाडे मुंह विच जदों भी कोई गल निके, मुसीबत हो या दुख होए, सिर्फ परमेश्वर दी महिमा दीआं गल्लां ही परमेश्वर हाडे मुंह विचों कढे। जितना दाविद दा विश्वास सी उतना ही हाडे विश्वास नूं वी वधाए। गॉड ब्लेस यू।